नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा मिश्रा। आज हम बताएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी ने आम चुनाव में देरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील के मुताबिक राष्ट्रपति को 90 दिनों के भीतर चुनाव की तारीख की घोषणा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, परसीमन और जनगणना 2023 को लेकर सीसीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित करने की सिफारिश की थी। लाहौर उच्च न्यायालय ने पिछले आदेश के अनुसार आगामी आम चुनाव 90 दिनों के भीतर होने चाहिए। चुनाव की तारीख की घोषणा को लेकर एलएचसी ने पाकिस्तानी चुनाव आयोग को और राष्ट्रपति के प्रधान सचिव को नोटिस भेजा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के एक बयान के अनुसार, हालांकि सभी राजनीतिक दल नवीनतम जनगणना के परिणामों के आधार पर आम चुनाव कराने में सहमत हुए हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 2023 की जनगणना संख्याओं को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी सीसीआई ने से सार्वभौमिक मंजूरी मिल गई थी और यह घोषणा की गई थी कि सभी राजनीतिक दलों ने जनगणना डेटा का उपयोग करके आम चुनाव चलाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी ईपीसी ने कहा है कि अगले 90 दिनों के दौरान कोई आम चुनाव नहीं होंगे। ईसीपी के अनुसार आयोग को परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह लीगल न्यूज की अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।